एक शेर से शुरुआत करते हैं कि यकीनन यकीन नहीं है, यकीनन यकीन नहीं है, यकीनन यकीन नहीं आएगा, यकीनन यकीन नहीं है, यकीनन यकीन नहीं आएगा, लौट आते हैं अक्सर रूठ कर जाने वाले, वो हंस कर गया है मुझे पता है वापस नहीं आएगा। एक गज़ल पेश कर रहा हूँ आप सभी के सामने, इसका शीर्षक रखा है पैतरों का इस्तेमाल। तो नशा इतना कहाँ जाम में जितना तेरी आँखों में लगता है, नशा इतना कहाँ जाम में जितना तेरी आँखों में लगता है, आज अलग है रूहानी तेरी किसी और से मिलकर आया लगता है, आज अलग है रूहानी तेरी किसी और से मिलकर आया लगता है, ये कैसी बातें कर रहा है तू किसी ने पढ़ाया सिखाया लगता है, ये कैसी बातें कर रहा है तू किसी ने पढ़ाया सिखाया लगता है, ये गुलाब तू मुझे किसका दे रही है उसी गैर का दिलवाया लगता है, ये गुलाब तू मुझे किसका दे रही है उसी गैर का दिलवाया लगता है, क्या बात है गजब पैतरों का इस्तेमाल कर रही हो, क्या बात है गजब पैतरों का इस्तेमाल कर रही हो, पहले भी किसी पे आजमाया लगता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, शुक्रिया भाई, कि क्या बात है गजब पैतरों का इस्तेमाल कर रही हो, पहले भी किसी पे आजमाया लगता है, ये दिल जिसे लेकर तुम खुश हो रही हो, ये दिल जिसे लेकर तुम खुश हो रही हो, ये मेरा तो नहीं है किसी और का चुराया लगता है, ये दिल जिसे लेकर खुश हो रही हो ये मेरा तो नहीं है किसी और का चुराया लगता है, मेरी बात मानो बात कहने से पहले सोच लो जरा, मेरी बात मानो बात कहने से पहले सोच लो जरा, मुझे लगता है किसी ने तुम्हें गलत समझाया लगता है, मुझे लगता है किसी ने तुम्हें गलत समझाया लगता है, ये सूरज चढ़ा जा रहा है तू कहाँ थी सुबह से, ये सूरज चढ़ा जा रहा है तू कहाँ थी सुबह से, मुझसे पहले आज कोई और जगाया लगता है, मुझसे पहले आज कोई और जगाया लगता है, जो बात कहना चाहती है वो साफ साफ बोल दे, जो बात कहना चाहती है वो साफ साफ बोल दे, बहुत दूर है तेरा शहर आने जाने में किराया लगता है। हाँ जी, जो बात कहना चाहती है वो साफ साफ बोल दे, जो बात कहना चाहती है वो साफ साफ बोल दे, बहुत दूर है तेरा शहर आने जाने में किराया लगता है। शक सा उठ तो गया था तेरी तस्लीम सुनकर ही, तस्लीम के मायने जानते होंगे सभी, हाय हेलो नमस्ते, तो शक सा उठ तो गया था तेरी तस्लीम सुनकर ही, दीप जिंदा दिल ही देखा है देख कैसा घबराया लगता है, दीप जिंदा दिल ही देखा है देख कैसा घबराया लगता है, और ये सलीखा तेरा तो नहीं है, ये सलीखा तेरा तो नहीं है, जाने कई मुलाकातों का रंग आया लगता है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। और एक गजल और पेश करना चाहूंगा कि वो कौन सी सड़कें हैं जो तेरे घर तक जाती हैं, वो कौन सी सड़कें हैं जो तेरे घर तक जाती हैं, ये कोई फूल है या तू आंगन महकाती है, वो कौन सी सड़कें हैं जो तेरे घर तक जाती हैं, ये कोई फूल है या तू आंगन महकाती है, पवन नहीं डरा भगवान से तू लोगों से घबराती है, पवन नहीं डरा भगवान से तू लोगों से घबराती है, ऐसा क्या है तुझमें जो तेरी गली से गुजरने पर, ऐसा क्या है तुझमें जो तेरी गली से गुजरने पर तेरी ही खुशबू तेरी ही आवाजें आती हैं, और क्या क्या याद रखूं मैं, क्या क्या याद रखूं मैं कि कुछ भुलाने वाले ख्याल में भी तेरी ही याद आती है, मुझे पता है तेरे रुक के बोलने की वजह, मुझे पता है तेरे रुक के बोलने की वजह, तू शर्माती है इसलिए आंखें चुराती है, और लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दे, लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दे, तू मेरी है क्या तुझे ये बात समझ नहीं आती है, तू मेरी है क्या तुझे ये बात समझ नहीं आती है, सूरज की क्या लगती है जो सिर्फ चांद में दिखाई आती है, सूरज की क्या लगती है जो सिर्फ चांद में दिखाई आती है, तू मेरे दिल का आराम है सोच में भी बिस्तर तक नहीं जाती है। तू मेरे दिल का आराम है सोच में भी बिस्तर तक नहीं जाती है, मैं बता नहीं सकता कि तू मेरी क्या है,
मैं बता नहीं सकता कि तू मेरी क्या है, यूं तो तू मिलती भी नहीं और लोगों में दिखाई आती है। तू मिलती भी नहीं और लोगों में दिखाई आती है, मेरी हर गज़ल की सच्चाई है तू। मेरी हर गज़ल की सच्चाई है तू, और सच्चाई बेशक थोड़ी हो ऐसे ही शोर मचाती है। सच्चाई बेशक थोड़ी हो ऐसे ही शोर मचाती है, ये आंखें बेहद खूबसूरत हैं, ये आंखें बेहद खूबसूरत हैं, और क्या नज़ारा जब तेरी जुल्फ़ें लहराती हैं। ये कौन है दीप जो मुझसे ज़्यादा खास है, ये कौन है दीप जो मुझसे ज़्यादा खास है, ये कोई नहीं है, सबसे पहले तू है ज़माने को हटकर बताती है। शुक्रिया भाई।